ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ লাশ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ লাশ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। जिस तरीके नाल भी जो कोई लेके जा सकता है इस मुहिम में अगे वो जरूर लेके जावो ताकि वो सरकार का दिमाग खुल सकन, उन्होंने नशे बेचने वाले दे दिमाग खुल सकन कि असी की कर रहे हैं, असी नशा नू खत्म करना है इस पंजाब दे। ये मूवमेंट है जी कभी फेसबुक तक ही नहीं लेनी चाहिए, ये मूवमेंट है जी पंजाब की नौजवानी को मैं अपील करता कि उठ के सड़कों पर आओ ताकि जिहड़ा पंजाब का मैं कहना आयाश राज है, जे एक गैंगस्टर पुलिस मार दिंदी है ना तो ट्वीट करके खुश हुंदा बधाइयां दिंदा पुलिस को शाबाश दिंदा है, पर अज हर रोज़ दो चार दे नौजवान आ सारे पंजाब दे विच चिट्टे नाल मर रहे हैं, ना उसका तो ना वो किसी कोई मंत्री किसी एम एल ए का कोई बयान नहीं आया, तो ना ही जो ड्रामे करने लगे हुए दूजी पार्टी वाले कल ही, ये ना सोचो भी जकदम नशा आ गया, ये तो यह सोच नहीं हो सकते जो अकाली दल या बीजेपी वाले आ कि यह तो जी कैप्टन सरकार वेले साल डेढ़ साल का आया, पिछले 15 या 20 साल तो पैर पछाड़ने शुरू किए ने चिट्टे ने, पहला बार्डर एरिए आया हौली हौली यह अपने सारे पंजाब फैल गया। जितों ड्रग आती भी आ हो सकता इधरों जाती भी हो, पर जो हालात अज देखने मिल रहे हैं पंजाब के बीच सानू भी सवाल किए जाते हैं कि की गल हुई कि हमने ही मरन लग गए, मरते पहला नहीं बड़ी देर तो मरते हैं पर उन्होंने मनिया नहीं जा रहा क्योंकि लोग शर्म के मारे दसना नहीं चाहते कि हाए मेरा पुत जरा नशा करके मर गया, पूरा परिवार बदनाम हो जाता, उसकी भैन को ब्याहना उसके पीछे दूजे भरा को ब्याहना, जे परिवार बदनाम हो गया यही रेप बारे यही होर कोई किसी किस्म के माड़े काम बारे पिंडा दे विच एक विचार हुंदा। जिहड़ा ड्रग का मसला है वो कोई नवा तो नहीं हैगा, है तो पुराना काफ़ी, पर पिछले कुछ दिनों तो जिवें मौतां होनियां शुरू हुई ने नौजवानों दियां और खास तौर उत्ते कुछ तरीके दे नाल कि उह सिरिंज भी नहीं पट सकते, एक औरत जिहड़ी उहदी माँ सीगी उहने जिस तरीके दे नाल वैन पाए उहने सानू जिहड़ा साडी नींद जिहड़ी सी ना वो तकरीबन खत्म कर दी कि पंजाब दे विच होना शुरू हो गया और रोज़ डैथ जिहड़ियां दी ओह हो रही ने 25 डैथ हुण तक पिछले कुछ हफ्तियां दे विच जिहड़ियां ओह कंटीन्यू हो चुकियां ने, जिहड़ी सरकार आ ओह कहिंदी आ कि जिहड़ा चिट्टा ते स्मैक आ ओह बंद हो गई इस करके कैमिकल नशा आ गया, ये कोई जवाब नहीं गा, असी एक बहस जिहड़ी आ ओह छेड़नी चाहुंदे आ, सवाल ये जिहड़ा खड़ा करना चाहुंदे आ कि इहदे वास्ते जिम्मेवार कौन, कौन इन्हां मौतों का जवाब देगा, कौन इन्हां मौतों दे वास्ते जिम्मेवारी जिहड़ी ओह चुकूगा और जिम्मेवारी सरकार की जिहड़ी है वो बनती है लोगों को जागरूक करने वास्ते और ये बहस छेड़न दे वास्ते असी एक हफ्ता जिहड़ा भी 1 जुलाई तो लैके 7 जुलाई तक असी चिट्टे का काला हफ्ता असी ये विरोध के तौर के उत्ते जिहड़ा भी वह मना रहे हैं और लोगों को असी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, असी कोई रेलां नहीं रोकनिया कोई बसा नहीं रोकनिया कोई राह नहीं रोकने कि आपो अपने जिहड़े वह बाहों के उत्ते इस तरीके काले बैज जिहड़े आ वह बन्नो और अपने घर के बाहर शाम को मोमबत्तियां ते दीवे जगाओ रोस प्रगट करने के वास्ते, सरकार को यह दसो कि असी निराश नहीं असी नाराज हैं। नहीं फेसबुक तो असी एक सिर्फ सुनेहा देने दे वास्ते रखिया, उन्हें असी टूल के तौर उत्ते वरत रहे हैं, ये मास दे विच जिहड़ी जी वह चल रही है, इस वेले नौजवान तबका जिहड़ा वह बाहर है वह अपने तौर उत्ते पैंपलेट छपवा के स्टिकर जिहड़े जी वह बनवा रहा तुहाडे सामने है जी ग्राउंड के उत्ते जुड़े ने लोग, जे फेसबुक के उत्ते हुंदी तो मीडिया इन्ना नोटिस नहीं सी लैंदा पंजाब दा, पंजाब दे मीडिया ने बहुत मदद जिहड़ी आ पिछले 2 दिन तो खास तौर दे उत्ते कीती आ, चाहे वह प्रिंट मीडिया चाहे वह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, जे उन्होंने भी लग रहा कि ये जरूरी है इस वेले ताही करके मीडिया कर रहा।
करो ज विरोध करो जी लहर चलाई गई है यदा सीधा साधा मतलब ही यही है जो नशे खा खा मर जाओ तो ज विरोध करो हूँ पंजाबी ये तो छी ये गल कि तुम मरना चाहते हो कि विरोध करना चाहते हो पंजाब का जो हालात आ पिंड जाके देखो हरेक दूजे दिन इदा दीडियो वायरल हो रही है पिछले चार दिनों के 25 मुंडे 25 मावं के पुत 18-18, 20-20 साल के 8-8 साल के बच्चे ड्रग ले रहे हैं जिम्मेवार कौन आ सो ये सानू सोचने लिए इस तो पहले कि साडे बच्चों के साडे मोढ़ियां ते जनाजे आ गए इस तो पहले कि सानू अपने आप को शर्माउन लगे उठो जागो अपने आले दुआले देखो अपना आला दुआला साफ करो पंजाबीओ उठो हुण वेला आ कल नू बहुत देर हो जाऊगी हुण वेला जागण दा जागो।